Hey guys, welcome to my channel. I am Mohit Kambod Chaudhary and meet my sister. Hi, I'm Manisha. आज हम जा रहे हैं करनाल से गोल्डन टेम्पल अमृतसर, so let's start our journey. रास्ते के लिए कार में खाने पीने का सामान एंड वाटर बॉटल्स रख दी हैं, तो चलो अब जल्दी से निकलते हैं. अभी टाइम हुआ है 9:30 PM और हम आ चुके हैं ग्रैंड ट्रंक रोड NH44 पर. ये इंडिया का लॉन्गेस्ट हाईवे है. इसको जम्मू दिल्ली रोड और श्रीनगर कन्याकुमारी हाईवे भी बोलते हैं. करनाल टू अमृतसर इज अप्रॉक्सीमेटली 330 किलोमीटर और ये डिस्टेंस हम कवर करेंगे लगभग 5 hours 30 minutes में. टाइम इज नाउ 10 PM एंड हम पहुंच गए हैं कुरुक्षेत्र. यार रात को ड्राइव करने का अपना एक अलग ही मजा है. लाइटिंग से हाईवे रात के समय में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है एज कम्पेयर टू डे टाइम. रात को ट्रैफिक भी काफी कम होता है, बस थोड़ा ट्रक ज्यादा होते हैं. PM पर हम पहुंच गए हैं अंबाला जग्गी सिटी सेंटर. यहां से दो रास्ते जाते हैं. लेफ्ट वाला रास्ता चंडीगढ़ और शिमला को जाता है. हम फॉलो करेंगे स्ट्रेट रूट जिस पर आपको पटियाला लुधियाना का साइन बोर्ड देखने को मिलता है, और स्ट्रेट रूट वाला रास्ता पंजाब को जाता है जिसमें लुधियाना जलंधर और अमृतसर आता है. यही रूट जम्मू श्रीनगर भी जाता है. अम्बाला क्रॉस करते फर्स्ट टोल आ चुका है और इस फर्स्ट टोल का नाम है शंभूगगर टोल, और यहाँ पे जो हमारा अमाउंट डिडक्ट हुआ है वो है 85 rupees. जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल हाईवे, कितनी अच्छी रोड्स बनी है ना. आफ्टर ऑल इट्स अ 6-lane हाईवे, तो मजा लेते हैं इस हाईवे का. सेकेंड टोल प्लाजा पर भी हम पहुंच चुके हैं. इस वाले टोल का नाम है लाडोवाल टोल और ये लुधियाना के पास है,
और यहाँ पे जो हमारा अमाउंट डिडक्ट हुआ है वो है 150 रुपीस। रात के बज रहे हैं 1:30 AM। हमने जलंधर क्रॉस कर लिया है और यहाँ से अमृतसर का डिस्टेंस सिर्फ 73 किलोमीटर है। रात के बज चुके हैं 2 और हम पहुंच चुके हैं अपने थर्ड टोल प्लाज़ा पर, जिसका नाम है जलंधर अमृतसर टोल प्लाज़ा और ये कपूरथला में पड़ता है। और यहाँ पे जो हमारा अमाउंट डिडक्ट हुआ है वो हुआ है सिर्फ 60 रुपीज़। तो चलो चलते हैं आगे। रात को चांद बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, तो मैंने इस मोमेंट को फटाफट से अपने मोबाइल में कैप्चर कर लिया। और आप देख सकते हैं कि इस वाले रूट पर हमारे अलावा कोई भी नहीं था, बस बहुत ही ज़्यादा धुंध थी और आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और जब थोड़ी सी लाइटिंग आई तो बहुत ही अच्छा फील हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे तो डर लग रहा था। और थोड़ी ही देर में ये लास्ट टोल प्लाज़ा भी आ गया। इस वाले टोल प्लाज़ा का नाम भी जलंधर अमृतसर टोल प्लाज़ा है। तो देखते हैं कि यहाँ पर हमारा कितना अमाउंट डिडक्ट होता है। तो जैसे ही मेरे पास ये मैसेज आता है तो मैं आपको बता दूँ कि मेरे वॉलेट से कितना अमाउंट डिडक्ट हुआ है। तो यहाँ पे जो मेरा अमाउंट डिडक्ट हुआ है वो है 55 रुपीज़। सो फाइनली हम पहुँच चुके हैं अमृतसर ब्यूटीफुल सिटी में। और आप देख सकते हैं कि सामने गोल्डन गेट है, जो कि दिन में तो बहुत ही सुंदर लगता है, रात के समय भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। पर आज इन्होंने यहाँ पे लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर रखी हैं और आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने बैरिकेडिंग वगैरह भी कर रखी है। तो अब आपको मिलते हैं सीधा पार्किंग एरिया में। फाइनली हम पहुंच चुके हैं कार पार्किंग एरिया में और यहाँ के जो चार्जेस हैं वो हैं 30 रुपीज़ 12 आवर्स के लिए।